पर आरोप लगता है कि आप आंदोलन कई बार बेच देते हैं या कई बार आंदोलन खत्म करने के लिए आंदोलन की धार कमजोर करने के लिए आप अंदर खाने डीलिंग कर लेते हैं, सरकार से भी बातचीत का या एक रिश्ता नाता आपका सरकार से भी है, बैकडोर बहुत कुछ कर लेते हैं, जो आंदोलन कमजोर होता है, इसलिए बहुत सारे आंदोलनकारी अब आपको आंदोलन से दूर रखते हैं। और पहलवानों के बीच लिंक की बात हो, सरकार और लखीमपुर में मारे गए किसान या उनके परिवारों के बीच लिंक की बात हो, हर बार लिंक राकेश टिकैत कैसे बनते हैं? क्या लिंक है आपका सरकार में कि सरकार आप ही को मानती है? इस मूवमेंट में क्या राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा के बाकी नेता शरीक होंगे जो आंदोलन कर रहे हैं, चाहे जगजीत सिंह डल्लेवाल हो, चाहे सरवन सिंह पंडेर हो और उनके साथ दर्जनों और किसान नेता हैं जो वहां मोर्चे पर बैठे हैं अलग अलग बॉर्डर पर, और जिनकी सरकार से दो राउंड की बैठक हो चुकी है 8 फरवरी और 12 फरवरी को राज्य भी सरकार के मंत्रियों से होने वाली, क्या ये इसके पीछे सरकार है? आप ये कह रहे हैं कि उनकी अब आप लोगों को लग रहा है कि हम लेफ्ट आउट रह गए और किसानों के दो मोर्चे बनकर यहाँ तक आ गए, सरकार उनसे दो राउंड की बातचीत करके तीसरे राउंड की बातचीत के लिए आज मजबूर हो गई, तब आपको लग रहा है कि अब हम भी इसमें शामिल हो जाएं और इसलिए आप करें सब एक हो जाओ? सर आरोप लगता है कि आपने लखीमपुर खीरी के मामले में अपने तई वहां एक सरकार के साथ मिलकर या मिली भगत से सरकार के जो उच्च अधिकारी पुलिस के प्रशांत कुमार जो लॉ एंड ऑर्डर एडीजी थे उनके साथ खटाक से आपने बैठक की 4 अक्टूबर की हिंसा के बाद, और उसके बाद आपने साझा तौर पर ऐलान कर दिया कि सब सहमति बन गई है और को जला दिया जाए, और जो आपने बातें कही आपकी मौजूदगी में हुई कि 10 लाख घायलों को मिलेगा, जो पीड़ित है मृतक है उनके परिवारों को नौकरी मिलेगी, जो किसान जो फंसाए गए या जिन पर आरोप लगा उनसे हत्या का मामला उठेगा, ये गैर इरादतन मामला दर्ज होगा, वो सारे वादे पूरे नहीं हुए और उन वादों को लेकर पूरा करने को लेकर भी ये लड़ाई लड़ी जा रही। ये सीधा राकेश टिकैत जी आप पर आरोप दर्जनों किसान नेता लगा रहे, ये आरोप है कि आपने सरकार से मिली भगत करके उस लड़ाई को ठंडा किया और उसके बाद वो वादे पूरे नहीं हुए, आप पर आरोप है वही दोहरा रहो जो किसान ने पूरा नहीं हुआ। टिकैत साहब अगर वो वादे पूरे नहीं हुए जो आपकी मौजूदगी में किए गए तो फिर लड़ाई आपको लड़नी चाहिए थी ना, आपने उसके बाद से 4 अक्टूबर 2021 भाई साहब संजीव बालियान के साथ विकसित भारत के प्रचार प्रसार में थे, सरकारी कार्यक्रम में आशीर्वाद भी दे रहे, तो लग रहा है कि सरकार के आप करीबी भी हैं और इधर आंदोलन में भी होते रहते हैं, दोनों की सवारी करते हैं, खिलाफ आप लड़े संजीव बालियान के खिलाफ, उन्हीं संजीव बालियान को आशीर्वाद दे रहे हैं, 1.5 महीने बाद चुनाव है, तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि आपकी मिली बात आप दो नावों की सवारी कर रहे हैं। जब पहलवान जंतर मंतर पर थे तब आप वहां पहुंचे, आपने कहा पहलवानों के साथ बल प्रयोग होगा तो ट्रैक्टर लेकर आएंगे, ट्रैक्टर दूर नहीं है, पहलवानों को घसीट कर वहां से हटा दिया गया सर, तब आप क्यों नहीं गए? कहां थे ट्रैक्टर, कहां थे नरेश टिकैत जब पहलवानों को जंतर मंतर के पास पुलिस ने बल प्रयोग? जयंत चौधरी चले गए बीजेपी में, तो पश्चिमी यूपी में क्या बदल गया तब से अब तक? नहीं लेकिन टिकैत साहब आपका रुख, टिकैत साहब इसका मतलब आपका रुख बीजेपी को लेकर मोदी योगी को लेकर नरम हुआ। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर हजारों किसान हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ लगातार दिल्ली कूच के ऐलान के साथ टिके हैं, उन पर आंसू गैस के गोले बरसाए गए, पुलिस उन्हें किसी सूरत में दिल्ली की तरफ हरियाणा होते हुए नहीं बढ़ने देना चाहती है। इस बीच सरकार की तरफ से हरियाणा और दिल्ली की जितनी सीमाएं हर सीमा सील कर दी गई है, वो बॉर्डर्स जहां किसान 13 महीने तक आंदोलनरत थे, खूंटा गाड़ कर बैठे थे, दिल्ली यूपी बॉर्डर, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर, सारे बॉर्डर्स पर जबरदस्त किलेबंदी है, इस तरह से जैसे सरहदें खींच दी गई है, कोई उधर से इधर ना आ पाए, मल्टी लेयर बैरिकेडिंग, लेकिन शंभू बॉर्डर पर किसानों के जत्थे टिके हैं और इस बीच तीसरे राउंड की बातचीत उन आंदोलनकारी किसानों के साथ आज शाम होनी है मोदी सरकार के मंत्रियों के साथ। बातचीत में क्या नतीजा निकलेगा उस पर सबकी नजर होगी, लेकिन सबकी नजर उन किसान नेताओं पर भी है जो किसान नेता 13 महीने के उस आंदोलन के अहम चेहरे थे, अहम किरदार थे, वो आंदोलन जिस आंदोलन के सामने मोदी सरकार को घुटने के बल झुकना पड़ा और कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा, वो आंदोलन जो इतिहास में दर्ज हो गया एक अहंकारी जिद्दी सरकार को झुकाकर, और प्रधानमंत्री मोदी को कहना पड़ा कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई कि हम किसानों को मना नहीं पाए, जिन किसानों को मुट्ठी भर किसान कहकर बीजेपी नेता लगातार विवादित बयान देते रहे। अब नजर सबकी राकेश टिकैत पर भी है, नजर उन नेताओं पर भी है जो नेता तब नेतृत्व दे रहे थे और अब कहां गायब।
एक भूमिका सिर्फ बता दूं कि संयुक्त किसान मोर्चा जिसमें 35-40 संगठन थे, जिस मोर्चे ने दिल्ली की सीमाओं को बंद किया था और सरकार को झुकाया, उस मोर्चे के अलग अलग टुकड़े हुए और 2-3 अहम नेता जो उस मोर्चे में थे उन नेताओं ने अलग मोर्चा बनाया जिसमें एक संयुक्त किसान मोर्चा अराजनैतिक है और एक किसान मजदूर मोर्चा केएमएम है जिसके मुखिया सरवन सिंह पंधेर हैं और बहुत सारे मोर्चे उसके साथ हैं, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा वो वाला मोर्चा इस लड़ाई का हिस्सा नहीं है। लेकिन बीते 48 घंटे से ये हो रहा है जब किसानों पर बल प्रयोग किया जा रहा है, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, तब उस पुराने संयुक्त मोर्चे के किसान नेताओं की तरफ से भी बयान आए हैं कि ये नाइंसाफी हो रही है और कुछ संकेत और संदेश मिल रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में ज्वाइन करें। इस बीच संयुक्त मोर्चा का एक पहले से ऐलान है जिसके एक चेहरा राकेश टिकैत हैं कि 16 फरवरी को हम भारत बंद करेंगे। तो मतलब दो लड़ाई चल रही है, एक अभी है, दूसरी होने वाली है। राकेश टिकैत, सीधे आपके पास आते हैं, जो मैंने शुरू में कहा, सबकी नजर है कि आंदोलन तो वहां हो रहा है, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान आंदोलित है, तीसरा दिन है मोर्चे का, राकेश टिकैत गायब है, बीच बीच में ट्विटर पर बयान आ रहा है कि किसान भी हमसे दूर नहीं है, हम भी किसानों से दूर नहीं है, तो आप दूर क्यों हैं? जरा आप समझाइए, पूरी बात समझ में आए, फिर बहुत सारे सवाल हैं आज आपके लिए राकेश टिकैत। पूरा देश जो है, पंजाब अगर इकट्ठा हो तो पूरा देश इनके साथ चलता है। पंजाब की जत्थेबंदियां ज्यादातर अलग है और देश में कहीं कोई विवाद नहीं है। देश में किसान संयुक्त मोर्चा बना, उसके 40 बड़े लीडर थे। हम तो आज भी जो पिछले 4-3 साल से ये उन्हीं 40 बड़े लीडरों को मानते हैं। वे 40 से 40 फिर इकट्ठे हो जाएं, ना दिल्ली दूर है ना ये किसान दूर है। क्या जिन लोगों को हम 3-3 साल से समझा रहे हैं कि इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ें, क्या अलग अलग कॉल देनी जरूरी है? क्या एक बड़ी साजिश किसानों के साथ में चल रही है? क्या कोई आदमी अपने आप को एक आदमी को बड़ा लीडर बनना चाहता है? देश में किसान संयुक्त मोर्चा है, संयुक्त मोर्चे को रहने दो। जो भी किसान संगठन देश में काम कर रहे हैं वो इंडिविजुअल काम करें, अपने प्लेटफॉर्म पे काम करें। तो आप कह रहे हो ये जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, जो सिंघू बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर डटे हैं कि एमएसपी की मांग है उनकी और एक दर्जन मांग है, वो मांग, वो वादे जो मोदी सरकार ने पूरे नहीं किए और जो धोखा दिया मोदी सरकार ने, जिसका जिक्र वो कर रहे हैं, क्या वो गलत आंदोलन कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं इनको नहीं करना चाहिए था? कोई गलत आंदोलन नहीं है, सबकी डिमांड एक है। हमने सबको कहा कि सब इकट्ठा होकर चलो, संयुक्त मोर्चा भी दूसरे मोर्चे बने। हमने बहुत पहले से कह रहे हैं कि सरकार किसान संगठन को तोड़ना चाहती है, जैसे पॉलिटिकल पार्टी तोड़ी। अभी एक नया संगठन आएगा पंजाब से ही, वो SYL का मुद्दा उठाएगा, नया आने वाला, अभी जैसे ये खत्म होगा, हो सकता है इसके साथ ही शुरू हो जाए, तो वो क्या है, वो पॉलिटिकल नहीं होगा। जिस दिन SYL का मुद्दा उठ जाएगा, हो सकता है कि सरकार के पैरोल पर हो वो भी, क्या उस दिन पंजाब और हरियाणा इकट्ठा रह जाएगा? हमने कहा कि इस तरह के मुद्दे नहीं उठने चाहिए दिल्ली के। लेकिन टिकैत साहब, आप क्या कर रहे हैं, ये जो आंदोलन कर रहे हैं, चाहे जगजीत सिंह डल्लेवाल हो, चाहे सरवन सिंह पंधेर हो और उनके साथ दर्जनों और किसान नेता हैं जो वहां मोर्चे पर बैठे हैं अलग अलग बॉर्डर पर, और जिनकी सरकार से दो राउंड की बैठक हो चुकी है, 8 फरवरी और 12 फरवरी को राज्य भी सरकार के मंत्रियों से होने वाली, क्या ये इसके पीछे सरकार है? आप ये कह रहे हैं कि उनकी उनका आंदोलन को आप शर्त के दायरे में ला रहे हैं? उनका भी जो और लोग आ गए उनको जा रहे हैं, जो और आएंगे अभी। हमने कहा कि संयुक्त मोर्चा जो आंदोलन नहीं है, सब लोग एक जगह बैठ ले। संयुक्त मोर्चा ने दूसरी कॉल दे रखी 16 तारीख की, एक मोर्चा ये होगा, एक और खुलने वाला है। हमने कहा कि एक जगह बैठ ले, सबके मुद्दे एक हैं, मुद्दे कोई अलग नहीं है, मुद्दा कोई भी मुद्दा अलग नहीं है, मुद्दे सबके सेम है और हम पूरी इस आंदोलन पर नजरें बनाए हुए हैं। कल हमारा किसान संयुक्त मोर्चे का पूरा देश भर का ग्रामीण भारत बंद का वो है, 17 तारीख की सिसोली में मीटिंग है और सरकार को कहा है कि जो 48 घंटे हैं, दो दिन, ये सरकार के पास में टाइम है, जो यह कमेटी है, इस कमेटी से सरकार बैठ के बातचीत करे। ना हमारे से किसान दूर है, ना हमारे से दिल्ली दूर है।
नहीं ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि सारे बातचीत यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप लोगों का संयुक्त मोर्चा है, जिसमें दर्शन पाल है, जिसमें आपका संगठन है, जिसमें और बहुत सारे नेता हैं, जोगिंदर सिंह उग्राहा हैं, बहुत सारे नेता हैं, जो मोर्चा इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है, जिस मोर्चे में दो फाड़ आप करें वही मोर्चा लड़ाई लड़े, तो बात यह आती है कि भाई साहब आपने 26 महीने पहले दिल्ली में आंदोलन जब खत्म किया तो बहुत सारे वादे आपको मोदी सरकार की तरफ से किए गए, जिसमें एमएसपी पर कमेटी और कानूनी गारंटी और केस मुकदमे वापसी, लखीमपुर खीरी के किसानों को इंसाफ, उनके पीड़ित जो मृतक है उनके परिवार को, आश्रितों को नौकरी, ऐसी लंबी लिस्ट है, उसमें से तो कुछ हुआ नहीं। तो ये किसान नेता कह रहे कि भाई आप तो फेल हो गए, 22 महीने में सरकार को मना नहीं पाए, आपको वादे आपसे जो किए गए पूरे नहीं हुए, तो उन्हें लगा कि वो आंदोलन करें। हमने कहा कि सब इकट्ठे होकर आंदोलन की इकट्ठी शुरुआत करें। हम तो आज भी कह रहे हैं कि पंजाब अगर इकट्ठा हो जाता है, सारा पंजाब की 40-42 जत्थेबंदी है, वे इकट्ठा हो जाता है तो पूरा देश साथ चल पड़ता है। पंजाब जैसे चलता है हरियाणा इकट्ठा हो जाता है, जैसे दोनों स्टेट होंगे तो पूरा देश इकट्ठा हो जाता है। हम तो आज भी कह रहे हैं कि उनकी जो कमेटी बनी हुई है वो उससे सरकार बातचीत करे, समाधान निकाल ले, नहीं तो धीरे धीरे ये मूवमेंट बढ़ेगा, दो दिन बाद में मूवमेंट और बढ़ेगा। आज भी किसान संयुक्त मोर्चे ने टोल फ्री करने की बात करी है, 4 घंटे ट्रेन जाम करने की भी बात करी है, और ये मूवमेंट ऐसा नहीं कि एक ही जगह वहां पर रहेगा, ये मूवमेंट धीरे धीरे 2-3 दिन में मूवमेंट ये बढ़ जाएगा। हाँ, जो आपने कहा ना कि संयुक्त मोर्चे ने टोल फ्री और रेल जाम या पटरी जाम ऐसा कुछ कहा, एक जोगिंदर सिंह उग्राहा जो आपके नेता है, उग्राहा संगठन के मोर्चे के सदस्य है, आपके मोर्चे के, उनकी तरफ से कल बयान आया कि किसानों पर जो बल प्रयोग हो रहा है गलत हो रहा है और हम जाम करेंगे। दूसरी तरफ टोल फ्री करने की बात दर्शन पाल ने कही, जो उसी संयुक्त मोर्चे के हिस्सा है, जिसकी कल बैठक हुई, वो सब ठीक है। लोग कह रहे हैं चूंकि अब आप लोगों को लग रहा है कि हम लेफ्ट आउट रह गए और किसानों के दो मोर्चे बनकर यहां तक आ गए, सरकार उनसे 2 राउंड की बातचीत करके तीसरे राउंड की बातचीत के लिए आज मजबूर हो गई, तब आपको लग रहा है कि अब हम भी इसमें शामिल हो जाएं और इसलिए आप करें सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हम किसानों के साथ में हैं, ऐसा नहीं कि हमको पीछे रहेंगे और भी आगे निकल गए दौड़िए है, वो सवाल ही नहीं, वो भी किसान है, वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो भी सरकार से बातचीत होगी, सरकार बातचीत उसी कमेटी से करे जो कमेटी मूवमेंट को लेकर यहां तक आई है। अब हम कह रहे सरकार हमारे से बात करे, अभी हमने उन्हीं कमेटी की जिनकी दो दौर की बातचीत हुई है, सरकार आज भी उन्हीं से बातचीत करे। हम किसानों के साथ में हैं, किसानों से कोई अलग नहीं है, उनके भी मुद्दे नहीं है। उस संगठन की जो ये संयुक्त मोर्चा अराजनैतिक है, जगजीत सिंह डल्लेवाल जिसका एक चेहरा है, अभिमन्यु कुहार, बहुत सारे नेता हैं, और दूसरा किसान मजदूर मोर्चा जिसके सरवन सिंह पटेल हैं, उनकी मांगों की लिस्ट है, चाहे एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की बात हो, चाहे लखीमपुर खीरी के किसानों को इंसाफ देने की बात हो, और बहुत सारी मांगे आपको पता ही होगा, रिपीट नहीं करो, स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। आप इन सारे मांगों से सहमत हैं? आप लोग भी, आपका भी मोर्चा सहमत है? हम सब सहमत है, देश में कोई भी मुद्दा वो गलत नहीं है। बात ये आती है राकेश टिकैत साहब, एक सवाल आप पर उठता है, बहुत सारे किसान नेता ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड लगातार 2 सालों से कर रहे हैं, आप पर आरोप लगता है कि आपने लखीमपुर खीरी के मामले में अपने तई वहां एक सरकार के साथ मिलकर या मिली भगत से सरकार के जो उच्च अधिकारी पुलिस के प्रशांत कुमार जो लॉ एंड ऑर्डर एडीजी थे उनके साथ खटाक से आपने बैठक की 4 अक्टूबर की हिंसा के बाद, और उसके बाद आपने साझा तौर पर ऐलान कर दिया कि सब सहमति बन गई और शव को जला दिया जाए, और जो आपने बातें कही आपकी मौजूदगी में हुई कि 10 लाख घायलों को मिलेगा, जो पीड़ित है मृतक है उनके परिवारों को नौकरी मिलेगी, जो किसान जो फंसाए गए या जिन पर आरोप लगा उनसे हत्या का मामला उठेगा, ये गैर इरादतन मामला दर्ज होगा, वो सारे वादे पूरे नहीं हुए, और उन वादों को लेकर पूरा करने को लेकर भी ये लड़ाई लड़ी जा रही, ये सीधा राकेश टिकैत जी आप पर आरोप दर्जनों किसान नेता लगा रहे। जो नेता वहां पे गए वहां पे 12 लोग वहां पे संयुक्त मोर्चे के भी लोग थे, वहां पे उनके परिवार के लोग भी थे, उस टाइम के जो हालात है, उनकी माँ, उनके भाई, वे परिवार के लोग सबके साथ में बैठे हुए थे, उस टाइम की जो हालात थी, सब लोगों की सहमति से बात बनी,
और उससे ज्यादा मुआवजा देश में अगर कहीं किसी को मिला हो तो बताओ। नहीं, लेकिन साहब की सहमति से बात हुई टिकैत साहब तो पूरी नहीं हुई ना, नौकरी नहीं मिली, हत्या का मामला नहीं हटा, उसके बाद घायलों को मुआवजा नहीं मिला, फिर आपने ऐलान तो किया था ना बैठ के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के सामने, ये आरोप है कि आपने सरकार से मिली भगत करके उस लड़ाई को ठंडा किया और उसके बाद वो वादे पूरे नहीं हुए, आप पर आरोप है, वही दोहरा रहा हूं जो किसान नेता कह रहे हैं। तो लगाते हैं किसान नेता तो जो दूर रहते हैं वे कुछ नेता बनना चाहते हैं, नहीं वे लगाते हैं, उन्होंने मूवमेंट देखे नहीं। जब किसी के घर से डेथ होती है और बॉडी उसके घर पर रखी हुई हो तो जब बतावे वे कोई भी इस तरह का नहीं, वहां पे परिवार के लोग थे, परिवारों की सहमति से सब चीजें हुई बॉडी के। लेकिन अगर वादा पूरा नहीं हुआ टिकैत साहब, अगर वो वादे पूरे नहीं हुए जो आपकी मौजूदगी में किए गए, तो फिर लड़ाई आपको लड़नी चाहिए थी ना, आपने उसके बाद से 4 अक्टूबर 2021 से 2.5 साल हो गए, लड़ाई तो लड़ जाएगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी के बैनर पर जाएगा तो कौन लड़ाई लड़ लेगा, नॉन पॉलिटिकल संगठन रहेगा तो नॉन पॉलिटिकल संगठन रहने दो। बहुत लोग मोर्चे के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बहुत लोग जो वहां पे लोग हैं वे पॉलिटिकल पार्टी में जा रहे हैं, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी से लड़ाई लड़ो, ये संगठन नॉन पॉलिटिकल है, इसको नॉन पॉलिटिकल ही रहने दो, नॉन पॉलिटिकल का बैनर लोगे फिर आप दूसरी पार्टी से आप चुनाव लड़ने की बात करोगे। और फिर और बलबीर सिंह राजेवाल जैसे नेताओं का जिक्र कर रहे हैं जो उस समय ये 2022 चुनाव में चुनाव मैदान में उतरे और उस संयुक्त मोर्चे में उसमें उसको लेकर भी बात हुआ, या ऐसे लोग, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कुछ उस तरह के लोग थे कि घायलों की लिस्ट में है और दूसरी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, तो एक ही जगह रहना चाहिए। लेकिन टिकैत साहब मैं चाहता हूँ इन आरोपों का जवाब दीजिए, आप पर आरोप लगता है कि आप आंदोलन कई बार बेच देते हैं या कई बार आंदोलन खत्म करने के लिए, आंदोलन की धार कमजोर करने के लिए आप अंदर खाने डीलिंग कर लेते हैं, सरकार से भी बातचीत का या एक रिश्ता नाता आपका सरकार से भी है, बैकडोर बहुत कुछ कर लेते हैं, आंदोलन कमजोर होता है इसलिए बहुत सारे आंदोलनकारी अब आपको आंदोलन से दूर रखते हैं, क्या आपको इसके बारे में आपको कुछ कहना है? देखो बातचीत से ही समाधान होगा, हमें वो आदमी बताओ कि जो किसी सरकार से बात ही ना करता हो, आप लखीमपुर खीरी की बात करते हो तो उसका समाधान क्या था वो बता दो, डेड बॉडी को लोग कितने दिन रख सकते हैं वो बता दो। नहीं फिर तो सवाल उठता है कि मुआवजा क्यों नहीं मिला, हत्या का मामला क्यों नहीं खत्म उस बदला गैर इरादतन में, घायलों को मुआवजा क्यों नहीं मिला जिस पर बात हुई, भाई जो समझौता होगा टिकैत साहब इस मुद्दे पर वो समझौते तो पूरे होने चाहिए ना, वो नहीं हुए तो वो हार आपकी भी हुई ना, क्योंकि आप ही ने समझौता करा, बल्कि उस समय कहा गया आपको खासतौर से वहां जाने का इंतजाम किया गया लखीमपुर खीरी में और लोगों को नहीं जाने दिया गया। हमने ये कहा कि हम उस आंदोलन से अलग थोड़ा है, आज भी उसके बाद में भी लखीमपुर खीरी में मीटिंगें हुई, सबके सामने हुई, बड़ी मीटिंगें भी हुई और आज भी वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरा केस चला हुआ है, वो कोर्ट में केस है आज भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। जो लोग बात करते हैं बात तो बहुत लोग कर देते हैं लेकिन वहां देखता कौन है आज भी, ये आरोप राकेश टिकैत साहब ये आरोप इसलिए आप पर लग जाता है क्योंकि जैसे आपके बड़े भाई नरेश टिकैत है जो भारतीय किसान यूनियन जो आपका संगठन है उसके मुखिया हैं, बालियान खाप के चौधरी भी हैं, अब कुछ दिन पहले 16 जनवरी को तस्वीर आई संजीव बालियान जो मुजफ्फरनगर के सांसद हैं मोदी सरकार के ताकतवर नेताओं में से एक रहे, संजीव बालियान के साथ विकसित भारत के प्रचार प्रसार में थे, सरकारी कार्यक्रम में आशीर्वाद भी दे रहे, तो लग रहा है कि सरकार के आप करीबी भी हैं और इधर आंदोलन में भी घुसे रहते हैं, दोनों का दो नावों की सवारी करते हैं आप लोग। सितुल्ली में प्रोग्राम था, नगर पंचायत का प्रोग्राम था, नगर पंचायत के प्रोग्राम में टिकैत साहब को भी सितुल्ली के होने के नाते वहां पे बुलाया गया, एक नगर पंचायत का प्रोग्राम है, उनको नहीं पता कि वहां पे वो बीजेपी का है किसी का है, अगर सरकारी कोई प्रोग्राम होगा तो उसके पीछे फोटो जो लग रहे थे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का उसके पीछे फोटो लग रहा था, वहां पे जाकर बैठे तो किसने अपने घर में क्या फोटो लगा रखा है वो तो नहीं पता,
अब आप अपने घर लेकिन सरकारी कार्यक्रम में गए ना, आशीर्वाद दिया ना सरकारी कार्यक्रम में जाके, जिस जिस सांसद के खिलाफ आप लड़े संजीव बालियान के खिलाफ, उन्हीं संजीव बालियान को आशीर्वाद दे रहे हैं, डेढ़ महीने बाद चुनाव है, तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि आपकी मिली भगत है, आप लोग दो नावों की सवारी करते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, हम जो भी सरकारें गलत फैसला लेगी हम उसके खिलाफ है, हमारा कोई मिली भगत नहीं है किसी से, नाम मिली भगत करते, हम किसानों के साथ में, किसानों के इशू के साथ में, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी भी जहां पर सरकार होगी हम उसकी वहीं पे खिलाफत करते हैं। छत्तीसगढ़ में पहले सरकार किसी और की थी, हमारे 3 साल आंदोलन चले, अब सरकार इनकी आ गई तो इनके खिलाफ आंदोलन है, हमें किसी से कोई लगाव नहीं है। नहीं, आप सरकार के खिलाफ आंदोलन करते होंगे, किसानों का आंदोलन सरकार के खिलाफ ही होगा क्योंकि मांग सारी सरकार से होगी, दबाव सरकार पर होगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कई बार आप सरकार से कुछ अंदर खाने डील कर लेते हैं, आंदोलन को कमजोर करते हैं, या होते हैं। जैसे बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ इसका जवाब दीजिए, जैसे पहलवानों के मुद्दे पर नरेश टिकैत जब यहाँ से पहलवान गए हरिद्वार में मेडल बहाने चले गए थे, नाराजगी में बजरंग पुनिया और फोगाट और ये साक्षी मलिक, तो नरेश टिकैत भागे भागे पहुंचे, मेडल ले लिया कि 5 दिन में हम इसका समाधान निकालेंगे, कुछ हुआ नहीं। उसके बाद पंचायतें हुई, आपने कहा सरकार से बातचीत हो रही है, उसके बाद अमित शाह और मंत्रियों से बातचीत हुई, कुछ भी नहीं हुआ ब्रजभूषण सदन सिंह के मामले में, ये पहलवानों को लगा ठगा गया। जब पहलवान जंतर मंतर पर थे तब आप वहां पहुंचे, आपने कहा पहलवानों के साथ बल प्रयोग होगा तो ट्रैक्टर लेकर आएंगे, ट्रैक्टर दूर नहीं है, पहलवानों को घसीट कर वहां से हटा दिया गया सर, तब आप क्यों नहीं गए? कहां थे ट्रैक्टर, कहां थे नरेश टिकैत जब पहलवानों को जंतर मंतर के पास पुलिस ने बल प्रयोग करके वहां से हटा दिया? ये आरोप इसलिए आप पर लगते हैं राकेश टिकैत। जिस दिन वहां खाप पंचायत के लोग गए दिल्ली में और हमने पहलवानों से कहा कि आप इसको लड़ाई को खुद लड़ोगे या इसको खाप पंचायत या किसान संगठन लड़े, तो उन्होंने कहा था कि हम इसको हमारी कमेटी लड़ेगी, हमने कहा कि हम बातचीत अधिकारियों से कोई बात करें कि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, उन्होंने कहा कि नहीं हमारी अधिकारियों से परमानेंट बातचीत होती रहती है। तो पहलवानों की खुद की कमेटी थी, उन्होंने कहा कि आपको किसी को इसमें रहने की, हमको तो बाहर से सपोर्ट दे दो, तो वहां पर सब खाप पंचायत के लोग थे। ये तो बात यहाँ पे होगी कि जो भी तय करा वहां की कमेटी ने तय करा, उनकी खुद की कमेटी थी। दूसरा रहा जो मेडल वहां पर डालने जा रहे थे, अगर कोई मेडल डालने जा रहा है और टिकैत साहब वहां से 90 किलोमीटर की दूरी पे है, अगर वे मेडल उनको बचाकर ले आए और वो दे दिया भाई सरकार से बातचीत करेंगे और ये दे देंगे और बात करेंगे आप जाओ वापसी, तो क्या कोई गुनाह कर दिया इसने? नहीं, वो गलत नहीं था, वो सही था, लेकिन फिर पहलवानों की लड़ाई में आप साथ नहीं रहे, वो लेफ्ट आउट हो गए और उसके बाद सड़क पर उनके साथ बल प्रयोग हुआ, एक तरह से घसीटा गया, वो बेटियां थी, देश की गौरव थी, तो उस समय आपने छोड़ दिया, ये आप पर आरोप है, वही मैं आरोप दोहरा रहा हूं जो आरोप लगातार आप पर लग रहा है। छोड़ते नहीं हम, ना मूवमेंट छोड़ते ना छोड़ के जाने वाले हैं, ठीक है। रही बात, कुछ अधिकारियों के फोन आए थे कि सरकार उनसे बातचीत करना चाहती है, हमने कुरुक्षेत्र की मीटिंग में ये कहा कि कुछ अधिकारियों का वहां से एक संपर्क आया है, वे चाहते हैं कि जो ये खेल कमेटी है हम इससे बात कर लें, मगर अगर लिंक सही है और वे बातचीत करना चाहते हैं तो खेल कमेटी उनसे बात कर लें, और नहीं तो हमारा ये 12-13 तारीख की कोई हमने डेट दी थी, उस तारीख पे हम फिर वहां पर दिल्ली जाएंगे। वो लिंक ठीक था, अधिकारी सबके NIU पर लोग साथ में रहते हैं, उनकी बातचीत हुई, उन खेल कमेटी ने उनसे खुद बातचीत करी, बातचीत तो आज भी हो रही है ना, बातचीत तो 22 दौर की हमारे किसान संगठन की भी हुई, बातचीत तो सब होती है, जहां पे मीटिंग होती है इंटेलिजेंस NIU उसके सरकारी लोग वहां पे मौजूद रहते हैं, वही हमारे एक माध्यम है, हम कोई स्पीच देते हैं तो बताते हैं NIU के लोग हमारे बीच में आ जाए भाई, वे बता देते हैं या वे संपर्क कर लेते हैं, तो वही तो माध्यम होता है सबके पास में, अगर वे बातचीत तो करना चाहते हैं। सरकार और किसानों के बीच लिंक की बात हो, सरकार और पहलवानों के बीच लिंक की बात हो, सरकार और लखीमपुर में मारे गए किसान या उनके परिवारों के बीच लिंक की बात हो, हर बार लिंक राकेश टिकैत कैसे बनते हैं? क्या लिंक है आपका सरकार में कि सरकार आप ही को मानती है कि इन्हीं से बीच में समझौता कराओ? जो मूवमेंट में रहते हैं सबसे बात करते हैं, NIU के लोग आपके बीच में रहेंगे,
तो वही तो कहते हैं एलआई और इंटेलिजेंस के लोग सब बीच में रहते हैं, अधिकारी बीच में रहते हैं, तो जो भी लीडरशिप होगी जो भी वहां पर रहेंगे तो वही तो संपर्क में आएगा उसी गई भैया मूवमेंट संपर्क में लीडर नहीं पाए। आप बताइए राकेश टिकैत साहब, अब जो जैसे आज सरकार से बातचीत होने वाली है, आज शाम को जो खबर आ रही है कि जो आंदोलनकारी किसान है, जो संगठन है संयुक्त मोर्चा राजनैतिक और दूसरा किसान मजदूर मोर्चा, बातचीत होने वाली है, इस बातचीत को लेकर आप लोग क्या लगता है कि क्या इससे कोई दिशा निकलेगी या इसके पीछे कोई साजिश लग रही है सरकार की आपको? नहीं, सरकार अगर साजिश करेगी, हमने कहा कि किसान वापसी नहीं जाएगा और ये मूवमेंट और बढ़ेगा, इसका दायरा बढ़ेगा। तो इस मूवमेंट में आप लोग कब शरीक होंगे? इस मूवमेंट में क्या राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा के बाकी नेता शरीक होंगे या दूरी बनाए रखेंगे? मोर्चे का भारत बंद है कल, संयुक्त मोर्चे का उसका रहेंगे, फिर 17 तारीख की मीटिंग है उसमें रहेंगे और उसके बाद में अपना निर्णय लेंगे। और हमने ये कहा कि ये जो मोर्चा है इसके नेताओं से भी और जो संयुक्त मोर्चे के लोग हैं वो भी एक जगह बैठ के कोई न कोई एक सहमति बनाए सभी लोग। ये तो लगता है ना कि आप लोगों ने एमएसपी की लड़ाई लड़ी, एमएसपी को लेकर मांग की, एमएसपी को लेकर सरकार की तरफ से कुछ वादे हुए, एमएसपी पर कमेटी बन गई, कमेटी की कुछ बड़ी बैठकें 6 और कुछ छोटी बड़ी बैठकों मिलाकर 25 बार बैठकें हो गए, कुछ हुआ नहीं, ढाक के 3 पात आप लोगों को धोखा दिया गया, आप लोग उसमें शामिल भी नहीं हुए, संयुक्त मोर्चा के नेता भी नहीं हुए और अपने ढंग से कमेटी ने पता नहीं क्या रिपोर्ट किया, कुछ पता है उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट की या क्या हुआ उस कमेटी का? वो कुछ नहीं कमेटी, एमएसपी गारंटी कानून तो सरकार हाउस में बनाए जैसे दूसरे कानून बनाती है, जब वो बन जाएगी उसके ऊपर कमेटी बनेगी कि वो कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है, उस पर कमेटी बननी है। ये देश को पूरी सरकार धोखा दे रही है, देश में फिर एक बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, देश में फिर एक बड़ा आंदोलन होगा, वो कब और कहां कैसे वे होंगे, एक बड़े आंदोलन की देश में जरूरत पड़ेगी। ये बताइए टिकैत साहब, कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी आरएलडी नेता जो पर्दे के पीछे से आप लोगों को आंदोलन में मदद भी कर रहे थे, उनके आरएलडी समर्थक लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर भी थे, जब वो आपके आंसू निकले थे 28 जनवरी को तो उसके बाद भी अजीत सिंह और उनके समर्थकों का सपोर्ट आपको जबरदस्त था, अब जयंत चौधरी चले गए बीजेपी में, तो पश्चिमी यूपी में क्या बदल गया तब से अब तक? जो आंदोलन के लोग हैं और कोई भी देश में पब्लिक है जो आंदोलन में शरीक होती है वो नोटा दबाने वाली नहीं है, वो किसी न किसी को वोट देती है, हर विचारधारा के लोग इस किसान आंदोलन में शामिल है, आंदोलन में हमारे साथ में सब पार्टी के लोग हैं, जब उनको वोट देनी होती है वो कहीं कहीं चले जाते हैं। नहीं तो जब जब जैसे 2022 में जब आप लोगों को लगा कि ये सरकार आपके साथ नाइंसाफी कर रही है तो आप लोग नो वोट फॉर बीजेपी जैसे नारे के साथ प्रचार कर रहे थे, अब इस बार क्या इरादा है, चुनाव है 1.5 महीने बाद, आप बीजेपी के साथ हैं या क्या हैं? किसान संगठनों को इलेक्शन से दूर रहना चाहिए क्योंकि उसकी लड़ाई अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टियां हैं उनके खिलाफ है, लोग वोट की आस्था है उसकी, वो किस पार्टी में देता है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वो जहां जाना चाहता है उसको जाने दो, लेकिन वही किसान आंदोलन में हमारे साथ रहता है, ऐसा नहीं कि एक पार्टी के लोग ही हमारे साथ में, सब पार्टी के लोग हैं। नहीं लेकिन टिकैत साहब आपका रुख, टिकैत साहब इसका मतलब आपका रुख बीजेपी को लेकर मोदी योगी को लेकर नरम हुआ, 5 सितंबर वो तारीख याद है मुझे जब मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई थी, आपने पंचायत की थी 5 सितंबर 2021 और उस मंच से दर्जनों किसान नेताओं ने नो वोट फॉर बीजेपी या बीजेपी हमारे साथ गलत कर रही है, बीजेपी को हराना है, ऐसे भाषण आपके मंच से दिए थे, तो आज आप कह रहे हैं कि कौन किसको वोट दे आपको इससे मतलब नहीं, ये कह रहे हैं कि आज हम कोई उनके पक्ष में है,
कोई किसी की बात मानता है? हमने जो हमारे इशू हैं सरकार के खिलाफ, वे इशू हमारे जारी रहेंगे, वोट से बगल रहना चाहिए। नहीं, आप तो पहले वोट की चोट कहते थे कि वोट की चोट पड़नी चाहिए, आज क्यों ये बात नहीं कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं है, वोट की चोट जिसको डालनी होगी वो डाल लेगा। सबको पता है कि किसको कहाँ जाना है, सब पता है कि किसको कहाँ जाना है, सब जानते हैं भाई। 2022 के पहले आपसे मैंने 5 बार 8 बार इंटरव्यू में आपने कहा कि जनता बता देगी, वोट की चोट पड़ेगी, जनता के पास वोट है ना, वो सब पता चल जाएगा। अब वो बात आप नहीं कर रहे हैं, या तो आपको अंदाजा हो गया कि आपके कहने से फर्क नहीं पड़ता है, और या आप नरम हो गए। हमारा ये हमारा काम मूवमेंट का है, आंदोलन का काम है, और जब वो टाइम आएगा तो बताइए। चलिए ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी एक सवाल कि ये जो लड़ाई है जो आज बैठक, चल आखिरी सवाल कि ये जो किसानों का मोर्चा है, इस पर जिस ढंग से आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, जिस ढंग से पुलिस एक तरह से जिद और बल प्रयोग कर रही है, क्या लगता है क्या उन्हें दिल्ली के बॉर्डर तक आने देना चाहिए, या रोक रही है पुलिस या सुरक्षा बल रोक रहे हैं, वो सही है? नहीं नहीं, जहां पे किसान आना चाहता है किसानों को वहां पे आना चाहिए। सरकार जो कर रही है वो गलत कर रही। हरियाणा सरकार के खिलाफ ये आंदोलन था ही नहीं, ये आंदोलन है भारत सरकार के खिलाफ। जितना भी वहां पे काम करा है वो गलत करा है। हम उन किसानों के साथ में हैं, और नए मोर्चे भी अगर खोलने की जरूरत होगी 2 दिन बाद में, इसका पूरा एक तैयारी के साथ में, इस मूवमेंट के साथ में खड़े होंगे। तो मतलब आप कह रहे हैं कि अगर 2 दिन बाद जरूरत होगी तो इस मूवमेंट के साथ संयुक्त मोर्चा नए मोर्चे की तरह इस मूवमेंट के साथ खड़े होंगे? बिल्कुल होंगे, किसान किसान है, हो सकता है कि नए मोर्चे खुल जाए दूसरी जगह। यही थोड़ा है कि मोर्चा वापस ही जाएगा भाई, दिल्ली के चारों तरफ है, किसान जहां से भी इकट्ठा हो जाएगा, अपना गांव और अपनी सड़क की योजना भी तो देश में ही है, उसमें जाने की जरूरत ही नहीं कहीं। नहीं, इस बार तो पुलिस और प्रशासन, इस बार पुलिस प्रशासन, यूपी सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार सब निश्चिंत हैं कि राकेश टिकैत बैठे हुए हैं, ये गाजीपुर बॉर्डर पर एक भी किसान नहीं आया, क्योंकि ये लोग इस लड़ाई में है नहीं। एमएसपी की लड़ाई पता नहीं कहां चली गई, एमएसपी मिला नहीं, बाकी वादे पूरे हुए नहीं, तो वो लड़ाई पंजाब से शुरू हुई। ऐसा नहीं है कि लड़ाई एक ही है, संयुक्त किसान मोर्चा देश में है, संयुक्त किसान मोर्चा बना हुआ है देश में, उसके 40 बड़े नेता है, पंजाब पूरे उसकी अगुवाई करता था, पंजाब के लोग इकट्ठे हो जाएं सारे तो पूरा देश फिर साथ में है। जैसे पंजाब चलता है तो सब हम उन्हीं की बात मान लेते हैं। तो क्या संयुक्त मोर्चा के नेताओं की या आप लोगों की किसी की, जो सरवन सिंह पंधेर या जगजीत सिंह डल्लेवाल जो आपके मोर्चे में डल्लेवाल पहले थे, उन लोगों से किसी से कोई संवाद हो रहा है या हुआ है? अभी मोर्चे के लोग, मेरी बात नहीं हुई उनसे, मैं तो बीच में कर्नाटक था और उनकी बात थोड़ी होगी, तो पंजाब की जत्थेबंदी आपस में तय कर ले तो पूरा देश साथ में है, कोई दिक्कत नहीं है। और किसानों की हार और जीत हम दोनों तरह किसानों के साथ में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश टिकैत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।